तो आज के दिन द हिटमैन रोहित शर्मा का जन्मदिन है। अब जाहिर सी बात है कि आज के दिन मौका तो खुशी का है, लेकिन दुख की बात यह है कि आज के टाइम पे हमारे ही देश में कुछ ऐसे चिरमुहे भरे पड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में तो कुछ नहीं उखाड़ा, लेकिन वो रोहित शर्मा को कुछ ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं जैसे रोहित शर्मा ने इस देश के लिए कुछ करा ही ना हो। अगर आप आज के टाइम पे रोहित शर्मा के पूरे करियर को उठा के देखें तो रोहित शर्मा का करियर इस चीज की सीख कम देता है कि कैसे मुश्किलों से उठ के सक्सेस पाई जाती है, बल्कि आज के टाइम पे जैसा मैंने कहा इस चीज की सीख उनका करियर ज्यादा देने लगा है कि कैसे लोग आपके बुरे वक्त में आपके ऊपर टूट पड़ते हैं, कैसे लोग ये भुला देते हैं कि आपने एक वक्त पे देश के लिए क्या क्या किया था। देखो माना कि हाल ही में बीच बीच में उनका थोड़ा सा बुरा वक्त आता रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लेयर बुरा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान बुरा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैप्टन बुरा है। लेकिन फिर भी जो सबसे ज्यादा पता है दुख कब होता है, खासकर जब आईपीएल के वक्त लोग रोहित शर्मा के ऊपर ऐसे हेट बरसाने लगते हैं जैसे कि ना जाने उसने कौन सा पाप करा हो, लोग इतनी ओछी बातें लिख रहे होते हैं जिसे देख के एक भारतवासी होने के नाते मेरी जो आंखें हैं वो शर्म से झुक जाती हैं, मेरा जो हृदय है वो भरने लगता है कि ये लोग सोच भी नहीं रहे हैं कि आखिर ये किसके बारे में बोल रहे हैं। और ऐसा सिर्फ रोहित शर्मा के साथ नहीं होता है, बहुत लोग होते हैं जो विराट कोहली को इतना उल्टा सीधा लिख रहे होते हैं जो पढ़ के ही शर्म आने लगती है, बहुत लोग होते हैं जो एमएस धोनी के बारे में इतना गंदा लिख रहे होते हैं, मतलब सोच के ये शर्म आ रही होती है कि भाई किसके बारे में बोल रहे हो, किसके बारे में ऐसा लिख रहे हो, दो पल के लिए खुश तो सोचो। अब अगर एग्जांपल के लिए मैं बताऊं तो हाल ही में एक ट्विटर यूजर ने विराट कोहली की फोटो डाली जहां पे विराट कोहली ने अंडर 19 वर्ल्ड कप को अपने हाथ में पकड़ रखा था, लेकिन उस फोटो के कैप्शन में ये लिखा था कि रोहित शर्मा इस तरीके से कभी आईसीसी ट्रॉफी को छू ही नहीं सकता। कुल मिला के उस पोस्ट का सिर्फ इतना कहना था कि रोहित शर्मा की औकात नहीं है कि वो एक भी आईसीसी टूर्नामेंट जिता सके। मतलब इस लेवल का हेट किस लिए, रोहित शर्मा भी तुम्हारे देश का ही प्लेयर है ना, रोहित शर्मा ने जो करा है देश के लिए ही करा है ना, लेकिन आप उसके बारे में ये लिख रहे हो कि तुम्हारी औकात नहीं है तुम आईसीसी टूर्नामेंट जिता सको, इसका मतलब सबसे बड़े हेटर आप रोहित शर्मा के नहीं बल्कि इंडिया के हो, क्योंकि कुल मिला के आप ये कहना चाहते हो कि कुछ ही दिनों में जो WTC का फाइनल आने वाला है वो रोहित शर्मा और इंडिया नहीं जीतेंगे, आप ये कहना चाहते हो कि कुछ ही महीनों में जो 2023 वर्ल्ड कप आना है वो रोहित शर्मा और इंडिया नहीं जीतेंगे। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये जो लोग हैं जो इस तरीके की पोस्ट डाल रहे हैं ये सच में नहीं चाहते कि भारत WTC का फाइनल जीते, ये सच में नहीं चाहते कि भारत 2023 का ODI वर्ल्ड कप जीते सिर्फ इसलिए क्योंकि रोहित शर्मा इंडियन टीम का कैप्टन है, लेकिन इन मूर्खों को ये पता ही नहीं है कि अगर भारत WTC का फाइनल नहीं जीता, अगर भारत 2023 का ODI वर्ल्ड कप नहीं जीता तो जितना दुख रोहित शर्मा को होगा उतना ही दुख विराट कोहली को होगा। मैं ये भी गारंटी दे रहा हूं कि जब खुद विराट कोहली इस तरीके की पोस्ट पढ़ते होंगे, जब खुद विराट कोहली अपने इन तरीके के टॉक्सिक फैंस को देखते होंगे तो वो भी ये सोचते होंगे कि इतने घटिया फैंस होने से अच्छा मुझे फैंस मिले ही ना, मेरे फैंस हो ही ना, यही बेहतर है। और जैसा मैंने कहा कि जो इस तरीके के टॉक्सिक फैंस हैं ये सिर्फ विराट कोहली के नहीं हैं, रोहित शर्मा के भी हैं, MS धोनी के भी हैं और बाकी प्लेयर्स के भी हैं। लेकिन जहां बात चल रही है रोहित शर्मा की तो मैं बताना चाहूंगा कि कुछ ही दिनों में एक ऐसी तारीख आने वाली है जिस दिन रोहित शर्मा अपने हर हेटर को मौन कर सकते हैं, जिस दिन रोहित शर्मा अपने हर क्रिटिसिज्म को ऐसा जवाब दे सकते हैं कि आने वाले सैकड़ों सालों तक एक भी बंदा उनको हेट कर ही नहीं पाएगा, आने वाले सैकड़ों सालों तक एक भी इंसान उनको क्रिटिसाइज कर ही नहीं पाएगा। पर वो देखने से पहले भाई एक बात बताओ, तुमने अभी तक ट्रेगो ऐप डाउनलोड नहीं किया है, मतलब सिर्फ यस या नो करके पैसा कमाने का मौका मिल रहा है तो तुमको लग रहा है भाई कि ऐसा कैसे हो सकता है, हो सकता है भाई। अब देखो आज के दिन दोनों मैच कौन से हैं, पहला मैच है CSK और पंजाब के बीच और दूसरा मैच है मुंबई और राजस्थान के बीच, लेकिन अपने को क्या, अपने पास तो डबल फायदा होने वाला है ना, क्योंकि डबल चांस है ट्रेगो पे सिर्फ यस या नो करने का और पैसा छापने का। अब पहले मैच के लिए देखो कितना इजी क्वेश्चन है, क्या जो CSK और पंजाब से जीतेगा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या जो ऋतुराज गायकवाड़ है वो 30+ का स्कोर करेंगे, अगले मैच के लिए क्वेश्चन क्या है, क्या जो मुंबई है वो राजस्थान से जीतेगा, उसी मैच का दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या जो रोहित शर्मा है वो 30+ का स्कोर करेंगे। तो देखो अपने को तो एक क्वेश्चन पे बिल्कुल श्योरिटी है कि ऋतुराज गायकवाड़ 30+ का स्कोर जरूर करेंगे, तो हमने तो वहां पे यस कर दिया है, 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए, रेट और क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली है, बस जैसे ही अब ऋतुराज गायकवाड़ 30+ का स्कोर करेंगे पैसा ही पैसा बाबू भैया, तो जल्दी
जल्दी जाओ भैया, प्रिडिक्शन करो ना। तो सबसे पहले तो अगर अभी तक तुमने ट्रेको पे जाके कोई भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं करा है ना, तो सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि पहले डिपॉजिट पे 20% का कैशबैक मिल रहा है, कितनी बार बताऊं। और सेम टाइम पे जैसे तुम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे लिंक से जाते हो, वहां पे जाके साइन अप करते वक्त मेरा कोड यूज करते हो Joshi25, तो ₹25 का तुमको बोनस मिल जाता है, जिससे तुम खेलना स्टार्ट भी कर सकते हो। लेकिन जितना ज्यादा डिपॉजिट करोगे ना, उतना जीतने की चांसेस ज्यादा होंगी। और सिर्फ यस या नो करना है भाई, इतना आसान तरीका और कहीं नहीं मिलने वाला। बाकी बताया था ना कि ट्रेगो पे डेली लीडर बोर्ड चलता है, जहां पे टॉप 3 लोगों को थाईलैंड की ट्रिप मिल रही है, और अगर उसके नीचे भी आते हो तो बड़े बड़े कैश प्राइजेस मिल रहे हैं। लेकिन वो तभी मिलेंगे ना जब जाके अमाउंट डिपॉजिट करोगे, जाके प्रिडिक्शन करोगे। लेकिन नहीं, मतलब यस या नो करके भाई से प्रिडिक्शन करनी है, वो भी तुम नहीं कर पा रहे हो। और चिंता भी किस बात की, 100% सिक्योर है, लीगल है, इंस्टेंट चुटकियों में विड्रॉल हो जाता है UPI के थ्रू, बस और क्या चाहिए। तो बिल्कुल ही वेट मत करो, अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ट्रेगो ऐप को डाउनलोड करो, मेरा प्रोमो कोड Joshi25 जरूर यूज कर लेना। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहां पे मैच के दौरान जितने भी क्वेश्चन चल रहे होते हैं सब मैं वहां डालता रहता हूं, तुम्हारी पूरी हेल्प कर रहा हूं। क्योंकि भैया अगर हम पैसा बना रहे हैं तो तुमको पैसा बना के देने का फर्ज भी तो हमारा ही है ना। तो बिल्कुल ही वेट मत करो, अभी जाओ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो और ट्रेगो ऐप को भी डाउनलोड करो, और जल्दी जाके आज डिपॉजिट करके प्रेडिक्शन करना शुरू कर दो। भैया अब तो 1 महीना बचे हैं कुछ IPL में, अभी नहीं कमाओगे तो कब कमाओगे। तो वापस चले अपनी स्टोरी पे, जैसा मैंने कहा कि कुछ ही दिनों में एक ऐसी तारीख आने वाली है जिस दिन रोहित शर्मा अपने हर हेटर को मौन कर सकते हैं, और वो तारीख है 7 जून 2023। हाँ, ये वही तारीख है जिस दिन WTC का फाइनल खेला जाएगा, और उस दिन रोहित शर्मा के पास एक बहुत ही बड़ा मौका होगा ये बताने का कि वो सिर्फ IPL ट्रॉफी जिताने के लिए नहीं बने हैं, वो सिर्फ वैसे कैप्टन नहीं है जैसा उनके बारे में बोला जाता है, वो उस तरीके कप्तान नहीं है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इसकी तो टीम अच्छी थी इसलिए जीत गया, असल में इसके पास खुद का कोई टैलेंट नहीं है। ये वो मौका होगा जहां रोहित शर्मा अपने हर दाग को धुल सकते हैं, ये वो मौका होगा जहां रोहित शर्मा ये बता सकते हैं कि वो सच में एक अच्छे कैप्टन हैं। या तो वो इतिहास बनाएंगे या फिर इतिहास का हिस्सा बन के रह जाएंगे, जिस इतिहास को सिर्फ और सिर्फ शक भरी नजरों से देखा जाएगा कि इसने इतनी IPL ट्रॉफीज भी जीती तो इसमें इसकी कप्तानी की काबिलियत कुछ भी नहीं थी। और ये जो बार बार मैं मौके की बात कर रहा हूं, ये मौका सिर्फ 7 जून को नहीं आएगा, बल्कि यही मौका फिर से आएगा अक्टूबर 2023 को, जहां भारत जो है वो भारत में ही ODI वर्ल्ड कप खेल रहा होगा, जहां फिर से रोहित शर्मा के पास एक बहुत ही बड़ा चांस होगा अपने हर दाग को धुलने का। क्योंकि ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि अगर ये साल रोहित शर्मा का अच्छा चला गया, अगर ये जो दो बड़ी टूर्नामेंट है ये रोहित शर्मा के लिए अच्छी चली गई, अगर यहां पे भारत जीत गया, अगर यहां पे रोहित शर्मा अपने बल्ले से डिलीवर कर गए, तो जैसा मैंने कहा मैं गारंटी दे रहा हूं कि आने वाले सालों तक कोई भी रोहित शर्मा को हेट कर ही नहीं पाएगा, और जो उसके बाद भी हेट कर रहे होंगे उनके बारे में सोचना भी जरूरी नहीं है। मतलब आसान भाषा में समझिए कि ये जो साल 2023 है इसको ऐसा मान लीजिए कि ये साल रोहित शर्मा की कप्तानी का आखिरी साल है, और इस साल रोहित शर्मा खुद पे क्या टैग लगाएंगे ये पूरे तरीके से रोहित शर्मा के ऊपर निर्भर करता है। या तो वो ऐसे कप्तान बन के रह जाएंगे जिनके बारे में सदियों तक बस यही कहा जाएगा कि आता जाता कुछ था नहीं, दिमाग कुछ था नहीं, टीम अच्छी मिलती थी तो जिता देता था, नहीं मिलती तो हरा देता था, ये तो बस IPL में कैप्टेंसी करने के लिए बना था। लेकिन वहीं पे अगर यही साल उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल चला गया तो आने वाली कई सदियों तक लोग ये कहेंगे यार ये सच में एक बेहतरीन कप्तान था। जैसे आज लोगों को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि रोहित शर्मा ने कितनी IPL ट्रॉफीज जीती हैं, तो कल को अगर रोहित शर्मा WTC जिता ले जाते हैं, कल को अगर रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2023 जिता ले जाते हैं, तो लोगों को इस बात से भी घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि रोहित शर्मा IPL में रन मारते थे या नहीं मारते थे। किसी बात से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रोहित शर्मा ने इससे पहले क्या किया, लोगों को फर्क बस एक चीज से पड़ेगा कि रोहित शर्मा फिलहाल क्या कर रहे हैं। और देखो बहुत ही सिंपल सी बात है कि धोनी को इतना बड़ा आज इसलिए नहीं माना जाता कि वो IPL के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन हैं, बल्कि इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने जो देश के लिए किया है वो अब तक किसी ने नहीं किया। IPL तो बहुत ही सेकेंडरी चीज है भाई, कल को बंद हो जाए किसी को क्या पता, किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा कि यहां पे आखिर हुआ क्या था, लेकिन देश के साथ क्या हुआ ये सबको हमेशा के लिए याद रहता था, याद रहता है और हमेशा के लिए याद रहेगा। तो आज रोहित शर्मा के बर्थडे पे मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, गुड लक। गुड लक इसलिए नहीं कि इस IPL में आप मुंबई इंडियंस को ट्रॉफी जिता दो, बल्कि गुड लक इसलिए कि इस साल आप इंडिया
इंडिया को WTC विजेताओ और इसी साल फाइनली 2023 का ODI वर्ल्ड कप विजेताओ। खैर जो भी वीडियो देख रहा है आप लोग को रोहित शर्मा और उनकी टीम से कितनी उम्मीदें हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दिए हुए लिंक से ट्रेगो ऐप को चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि सिर्फ यस या नो करके पैसा कमाने का इससे अच्छा मौका और कहीं मिल ही नहीं सकता। और सेम टाइम पे डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मौजूद है मेरे टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे सब कुछ आता रहता है। जो भी क्वेश्चंस लाइव हो रहे हैं इजी क्वेश्चन सारी प्रेडिक्शन के साथ मैं वहां डालता रहता हूं, ताकि भले तुम मैच ना भी देख रहे हो तुमको पूरे तरीके से अपडेट मिलते रहे कि भैया कौन सा क्वेश्चन है जहां पैसा बन सकता है और तुम्हें क्या करना है, सिर्फ यस या नो करना है। बाकी साइन अप करते Joshi25 यूज करते तुमको ₹25 का बोनस मिल रहा है, इससे तुम खेलना स्टार्ट कर सकते हो। तो क्यों वेट कर रहे हो, बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करो, अभी जाके ट्रेगो ऐप को डाउनलोड करो। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।